हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका अपनी चैनल मैजिकल हैंड में। और आज हम एक सुंदर मदर बैग बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है जो कॉटन का है और उसके ऊपर कार्टून की डिजाइन है। और उसके नाप से मैंने फोम ले लिया है और नीचे ले लिया है नॉन वुवन। और नॉन वुवन आपके पास अगर नहीं अवेलेबल तो इसकी जगह पे आप कोई भी सिंपल कपड़ा यूज कर सकती हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्विल्ट कर लेना है। ये पूरा 1 मीटर कपड़ा है जिसको मैंने फैला दिया है। नीचे नॉन वुवन रखा है, बीच में फोम और ऊपर हमारा जो मेन कपड़ा है वो, इसके ऊपर हमें क्विल्ट कर लेना है। अब हमें ये हमारा क्विल्ट हो चुका है। अब हमें बैग के मेन दो पार्ट कट करने हैं। तो अब से हमें 17x11 इंच के हमें दो पार्ट लेने हैं जो हमने कट कर लिए। इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है। फिर हमें यहाँ से राउंड शेप देना है और यहाँ से कट कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें शेप देना है। उसके बाद हमें बैग का फ्रंट पार्ट बनाना है। उसके लिए ऊपर के दो पॉकेट बनाने हैं, तो उसके लिए हमें कट करना होगा कपड़ा। अब हमने जो 7x7 इंच के दो पार्ट कट किए थे उसको हमें सबसे पहले यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमें ऐसी पट्टी को कट करना है। ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अब ये जो पट्टी मैंने कट की है वो 2.5 इंच की है और उसको हमें यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। और ये फोल्ड हो गया तो ये 20 इंचेस का होगा, तो 2.5x20 इंचेस के हमें ऐसी पट्टी कट करनी है। इसको हमें ऐसे ही फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। और यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है, तो ये देखिए ये फोल्ड हो चुका है। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करनी है। स्टिच करने के बाद हमें इसको यहाँ पे अटैच करना है। इसको हमें ऐसे अटैच करना है और फिर इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। अब हमें यहाँ तक नाप लेके यहाँ पे भी फोल्ड कर लेना है और फिर हमें स्टिच कर देनी है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे राउंड में स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें सीधा करना है। ये हमारा सीधा हो गया। अब हमें इसको ऐसे रखना है, फिर हमें पूरे राउंड में स्टिच करना है और प्रेस स्टिच दे देनी है। तो ये यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमारे दो पार्ट थे तो दोनों में हमने उस तरीके से कर लिया है। अब जो हमारा बैग का मेन पार्ट है 17x11 इंच, उसको लेना है और उसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। अब दोनों साइड हमें यहाँ पे 1 इंच जगह छोड़नी है और फिर हमें ये जो है हमारा इसको ऐसे रखना है। कॉर्नर से हमें ऐसे रखना है सीधा, फिर हमें यहाँ से स्टिच करना है और पूरे राउंड में हमें उसी तरीके से स्टिच करना है ऐसे। और ये पॉकेट जिस तरीके से हमें अटैच करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम दूसरा पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्टिच करके दोनों पॉकेट अटैच कर लिए हैं। अब हमें 8x4 इंच के ऐसे दो पार्ट कट करने हैं जिसमें मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करके इसको भी राउंड शेप देना है। अब हमें ऐसी क्रॉस में कट की हुई पट्टी को लेना है और ये जो पट्टी है हमारी इसको यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ तक स्टिच करना है और फिर हमें इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है और फिर से हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें सीधा करना है और यहाँ पे हमें ऐसे फोल्ड करके फिर से राउंड में स्टिच करनी है। और ये जो दूसरा पार्ट है उसमें भी उसी तरीके से हमें करना है। अब दोनों हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है दोनों को और फिर हमें यहाँ पे सीधे स्टिच करना है। अब हमें हैंगर को लेना है। ये ब्लैक बेल्ट में ले रही हूँ जो 13 इंचेस मैंने कट किया है। तो हमें ये फ्रंट साइड यहाँ पे अटैच करना है।
यहाँ पे दोनों को, और उसके ऊपर हमें 18 इंच का एक बेल्ट लेना है और उसको हमें यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करना है। तो इसको हमें पहले इसकी मजबूताई के लिए हमें सेंटर में यहाँ पे ऐसे क्रॉस में स्टिच करना है यहाँ पे, फिर उसके ऊपर हमें ये बेल्ट को अटैच करना है और दोनों नीचे और ऊपर हमें स्टिच कर देना है। अब यहाँ पे हमने स्टिच करके ये अटैच कर लिया है, तो इसी तरीके से हमें जो दूसरा पार्ट है हमारा बैग का पार्ट है पीछे का, उसमें हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। अब ये जो पीछे का साइड है यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ना है और कट कर लेना है। अब हमें इसी के नाप से ये जिप को लेना है और फिर हमें यहाँ पे अटैच करना है। इस दोनों को हमें इस तरीके से रखना है और फिर यहाँ पे स्टिच करनी है। फिर हमें इसको ऐसे सीधा करेंगे और ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे, उसी तरीके से ये ऊपर की साइड अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये नॉन वन हमने कट किया है जो इसी के नाप से हमने कट किया है। अब जिप हमारी लग चुकी है, अब इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है और पूरे राउंड में हमें स्टिच करनी है। अब यहाँ पे हमारा पॉकेट बन गया। अब हमें नीचे का यहाँ का बॉर्डर लेना है जो नीचे की ओर अटैच होगा, तो उसका हमें ऐसे नाप लेना है। ये देखिए, इसी के नाप से हमें लेना है। इससे हमें थोड़ा इतना सा ही ज्यादा रखना, इतना छोटा, और इसको हमें बैग कितनी बड़ी करनी है उसके हिसाब से ये लंबाई हमें लेनी चाहिए। जैसे हमें इतनी इतनी ही रखनी है तो इतनी भी रख सकते हैं, इतनी बड़ी रखनी है तो बड़ी भी रख सकते हैं। अब आप देख सकती हैं कि हमने ये बॉर्डर को अटैच कर लिया है और यहाँ पे प्रेस स्टिच भी कर ली है। अब हमें साइड के पार्ट कट करने हैं, तो वो भी हमें 8 इंच के चाहिए, लेकिन इसका हमें यहाँ पे कितने इंच रखना है वो तय करना है। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे हमें 7 इंच लेना है यहाँ पे, तो हम 8x7 इंच का दो पार्ट कट करेंगे साइड के। 8x7 इंच के हमने ये दो पार्ट कट किए हैं। अब हमें इससे 1 इंच छोटा, 1/2 इंच ऐसे छोटा रखना है, और 6.5x10 इंच का हमें ऐसा पार्ट लेना है दो, और दो पार्ट हमें ऐसे लेने हैं। अब हमें ये जो हमारा पार्ट है ये इसी के नाप से हमें लेनी है, इलास्टिक लेनी है। अब इसी के नाप से हमें इलास्टिक लेनी है 8 इंच की। हमें दो इलास्टिक 8 इंच की लेनी है। ये हमारे इलास्टिक को हमें, ये जो हमारा 6.5x8 इंच का जो पार्ट है उसको लेना है, उस यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। पहले यहाँ पे हमें स्टिच करनी है, इसको हमें ऐसे खींच के स्टिच करनी है। अब ये स्टिच हमारी हो गई है, अब इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे करना है, फिर यहाँ पे हमें स्टिच कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टिच को कर लिया है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें ये 8x7 इंच का पार्ट है उसको लेना है, यहाँ पे हमें स्टिच करनी है, और फिर हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है जैसे इतना, वो हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें लेके कर लेना है, और फिर हमें यहाँ पे पूरे राउंड में स्टिच करनी है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा पार्ट भी हमें उसी तरीके से स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है, ये हमारे स्टिच हो गया है। अब इसको हमें इस यहाँ पे ऐसे रखना है इस तरीके से, हमें यहाँ से स्टिच करना है, लेकिन इतना हमें खुला रखना है, और यहाँ से स्टिच स्टार्ट करके हमें दूसरी साइड तक स्टिच लेनी है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से हम
स्टिच को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर इसको हमें ऐसे करना है, तो पूरे राउंड में हमें स्टिच करनी है, और फिर दूसरी साइड भी हमें थोड़ा खुला छोड़ना है। और ये जो कॉर्नर है उसका हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारी स्टिच है, दोनों पार्ट हमने बीच का और साइड का जो अटैच किया है वहां पे ही आने चाहिए। तो आप देख सकती हैं कि हमने ये साइड के पॉकेट अटैच कर लिए हैं, और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा दोनों साइड खुला छोड़ा है। ये दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिए हैं पूरे राउंड में हमने स्टिच करके। अब हमें ऊपर का जो पार्ट है वो लेना है, यहाँ पे जो हमें अटैच करना है वो। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का जो नाप लेना है, और यहाँ का तो हमारा फाइनल है ये 8 इंच हमें लेना है, लेकिन ये जो राउंड है उसका हमें नाप लेना है। तो उसका हमें नाप कैसे लेना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इतना जो है हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो स्टिच में जाएगा इतना सा, तो हम यहाँ से ऐसे नाप लेंगे। तो हमारा 21.5 इंचेस होगा, और 21.5 बाय 8 इंचेस का हमें पार्ट कट करना है। तो इस तरीके से हमें पार्ट को कट करना है जो 21.5 बाय 8 इंचेस का है। अब इसको हमें सेंटर में से कट करना है यहाँ से, और फिर हमें ये जिप को लेना है और यहाँ पे अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जिप को अटैच कर लिया है, और पीछे की ओर हमने प्रेस स्टिच दी है। अब हमें लेने हैं दो रनर और इसको हमें इसमें अटैच कर लेने हैं। अब ये जो बॉर्डर है हमें यहाँ पे अटैच करना है। सबसे पहले हमें इसको ऐसे दोनों साइड जो हमारे पार्ट है वहाँ पे अटैच कर लेना है, ऐसे यहाँ पे स्टिच करके हमें प्रेस स्टिच करनी है, और उसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें दोनों साइड जोड़ लेना है। अब ये देखिए हमने दोनों साइड यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हमें इसको ऐसे रख के यहाँ पे पूरे राउंड में इतने तक हमें स्टिच करना है। जो ये भाग हमारा खुला है वो, ये जो ऊपर का है उसको भी हमें उसी तरीके से पूरे राउंड में हमें स्टिच करना है। तो ये हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें सीधा करना है। तो ये बैग हमारी रेडी हो गई है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने बड़े बड़े दो पॉकेट लगाए हैं, और यहाँ पे भी हमने बहुत बड़ा पॉकेट रखा है, जिसकी वजह से हमें पानी की बोतल या कुछ और भी दोनों साइड रखना है तो वो भी हम रख सकते हैं। और ये बीच का देखिए, इसमें भी बहुत सारा सामान अंदर आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे नए आइडिया के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।